नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पटौरी। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला, सीधे आपको लिए चलते हैं मुंगेर। मुंगेली में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर उसे जिंदा जला डाला। कहते हैं जिस शख्स पर हैवानियत का जुनून सवार होता है, ना तो उसे पुलिस का खौफ रहता है और ना परिणाम का डर। ऐसा ही छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक हैवान युवक ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की और बच्ची के द्वारा इसका विरोध करने पर मिट्टी तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नवा गांव गुठेरा की है, जहां गांव के ही आरोपी बबलू भास्कर ने 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अकेला पाकर दुष्कर्म की नियत से घर में घुसा और पीड़िता के साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची ने जब इसका विरोध किया तो हैवान आरोपी ने मिट्टी तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। इसके बाद अधमरी बच्ची जलती हुई बचाने की आवाज लगाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगी। आसपास के लोगों के द्वारा किसी तरह आग को बुझाकर उसे जिला अस्पताल दाखिल कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बहरहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर छेड़खानी, हत्या सहित अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप। कोरोना वायरस की सर्वे में लगी आशा कार्यकर्ता को जान से मारने की गई कोशिश। हाल ही में सागर के जगहखेड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण एक महिला आशा कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे का कार्य कर रही थी, लेकिन ग्राम के कुछ लोगों को अपने मकानों में नंबर नहीं डालने को लेकर इस आशा कार्यकर्ता को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। जब इस घटना की जानकारी जगहखेड़ा पुलिस को दी गई तो उन्होंने कोई शिकायत दर्ज न करके भगा दिया और ये महिला एक स्वार की सहायता जैसे तैसे सागर के अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने भी कहा कि पहले आप पुलिस को कंप्लेन करें, फिर तो उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद सुबह पीड़िता आशा कार्यकर्ता पहुंची तो जगहखेड़ा पुलिस ने भी उसकी कोई शिकायत नहीं सुनी। आशा कार्यकर्ता के साथ हुई इस घटना में पुलिस भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। विगत 12 घंटे से FIR करने के लिए खड़ी है थाने में। सागर से एक्सप्रेस रिपोर्टर मुकुल शुक्ला। भाजपा के पिछले दो नगर अध्यक्षों के अधूरे कार्यकाल को नए अध्यक्ष शायद वास्तु दोष मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने कक्ष में फेर बदल करवाना शुरू कर दिया। दरअसल इंदौर में नगर भाजपा के अध्यक्ष का प्रभार संभालने वाले पिछले दो अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, ऐसे में अब नए नगर अध्यक्ष बने गौरव रणदीवे शायद इसे वास्तु दोष मान रहे हैं। उन्होंने अपने कक्ष में फेर बदल करवाना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो वास्तु के हिसाब से गौरव रणदीवे अपने बैठने की दिशा सहित आने वाले आगंतुकों की दिशा भी निर्धारित कर रहे हैं, ताकि न सिर्फ उनका कार्यकाल सफल हो सके बल्कि उनके कार्यकाल को सफलतम अध्यक्षों के कार्यकाल में शामिल किया जाए और भविष्य में उन्हें इससे बेहतर पद मिल सके। हालांकि गौरव रणदीवे का कहना है कि भाजपा का जो भी नगर अध्यक्ष आता है वह अपने हिसाब से कार्यालय का कायाकल्प करवाता है। वास्तु के हिसाब से बैठने की दिशा तय करने की बात से साफ इनकार करते हुए गौरव रणदीवे ने कहा कि कक्ष में अधिक से अधिक लोग बैठकर चर्चा कर सके, इसके लिए फिर बदल किया जा रहा है, इसका वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस फेरबदल का परिणाम क्या होगा, लेकिन फिलहाल इस फेरबदल के कई कयास लगाए जा रहे हैं। इंदौर से रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। साप्ताहिक बाजार बंद होने के बाद बड़वारा इलाके के छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों में छाई मायूसी। दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए कटनी कलेक्टर ने गुमस्ता अधिनियम के तहत सप्ताह के हर रविवार को सभी प्रकार के मार्केट बंद करने के आदेश दिए थे, जिसका पालन शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी किया जा रहा है, लेकिन बंद का सीधा असर रविवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार में पड़ता नजर आ रहा है। वहीं अब बड़वारा में लगने वाली रविवार की हाट बाजार 3 सप्ताह से बंद होने के कारण व्यापारियों में मायूसी देखी जा रही है। व्यापारियों के मुताबिक बाजार बंद होने से स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ बाहरी व्यापारियों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाके से आने वाले लोगों से ही बाजार में तेजी आती थी, लेकिन बंद होने के बाद अब हम सभी का व्यापार चौपट होने की कगार में है। हालांकि कटनी कलेक्टर का यह फैसला जनहित में है, लेकिन कहीं न कहीं बड़वारा इलाके के व्यापारियों को इसका नुकसान भी हो रहा है। बड़वारा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। वंदे मातरम भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे 143 छात्रों को आज स्वदेश लाया गया।
एयर इंडिया की फ्लाइट से 143 यात्री मास्कों से दिल्ली होते हुए देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर उतरे, जिन्हें में से 24 यात्री इंदौर के थे। इनको होटल लेमन ट्री में स्टेशन क्वारंटाइन कराया गया है। यह फ्लाइट सुबह 3:35 पर इंदौर पहुंची। गौर करने वाली बात है कि भारत सरकार के द्वारा विश्व के अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाया जा रहा है। इसी के चलते इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में भी लगातार विदेशों से यात्रियों का आना जारी है। हालांकि कोरोना शुरू होने के पहले जिस तरह से लापरवाही बरती कर यात्रियों को क्वारंटाइन नहीं किया गया था, उसके बाद देश भर में कोरोना फैल गया था, जैसा कि पूरे विश्व में हुआ था, वैसा भी भारत में भी हुआ था। यही वजह रही कि जब तमाम यात्रियों को क्वारंटाइन कराने के साथ साथ उनका टेस्ट भी कराया जा रहा है। फिलहाल सभी छात्रों को इंदौर की होटल में क्वारंटाइन करने के बाद 7 दिवस के बाद उन्हें घर पहुँचाया जाएगा। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। लाल टपारा गौशाला में क्षमता से अधिक गोवंश की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा अब रानी घाटी में नई गौशाला बनाई जाएगी। ग्वालियर में लगातार बढ़ती जा रही आवारा गायों की संख्या के कारण नगर निगम द्वारा संचालित लाल टपारा गौशाला में जगह की कमी हो गई है। हालात ये है कि यहाँ क्षमता से अधिक गोवंश के आ जाने के कारण उनका रखरखाव ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि गौशाला के संतों द्वारा प्रशासन की सहायता से अब जिले के रानी घाटी इलाके में 1200 बीघा में नई गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको वृंदावन की तर्ज पर सजाया जाएगा, जहां पर 12 जुलाई को 5000 पौधे रोपण किए जाएंगे। इस संबंध में ADGP एवं ग्वालियर जोन के IG राजा बाबू सिंह ने बताया कि जिस स्थान पर नई गौशाला बनाई जा रही है वो सरकारी जमीन है और प्रशासन के साथ साथ लाल टपारा गौशाला के संतों के साथ साथ आम जन सहयोग से इसका विस्तार किया जा रहा है। नई गौशाला बनने के बाद उन किसानों की समस्या भी दूर हो जाएगी जो गायों से अपनी फसल बचाने के लिए दिन रात खेतों में ही रहते हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। शिवराज मंत्रिमंडल में आज हुआ विस्तार, लेकिन कई दिग्गजों के नाम कटे। देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर आज शिवराज सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का जंबो मंत्रिमंडल का विस्तार किया। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस विस्तार में कई दिग्गज नाम ऐसे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। वो और उनकी नाराजगी भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएगी है आने वाला समय तय करेगा, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अब इन जो असंतुष्ट नाम हैं उन्हें मनाने की कवायद शुरू कर दी है। साफ तौर पर प्रदेश में उपचुनाव होने के चलते सबसे पहले सिंधिया समर्थकों को मौका दिया गया और जो दिग्गज थे उनसे कहा गया कि अभी वो रुके, वेट और वॉच करें, इसके बाद जब उपचुनाव जीत लिया जाएगा तब कहीं ना कहीं उन्हें जगह मिलने की संभावना है। विस्तार के बाद कई दिग्गजों के नाम काटे जाने के बाद दिग्गज काफी नाराज हैं। देखना यह होगा भाजपा अब ये डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद चौहान। बढ़ते हुए बिलों से लोग हो रहे परेशान, लॉकडाउन का असर बिजली बिल उपभोक्ताओं पर दिखता नजर आ रहा है। शहर भर में लगातार बिजली बिलों की बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ता हो रहे परेशान। जहाँ किसी उपभोक्ता का बिल 200 रुपए के आसपास आता था, उसका बिल अब 2000 रुपए आया है। यह समस्या शहर के हर वर्ग के लोगों में देखने को मिल रही है, जिसका अच्छा खासा रूस लोगों में दिखाई दे रहा है। लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग बिजली ऑफिस पहुंच रहे हैं। अब बिजली बिल उपभोक्ता का बस यही कहना है कि उनके बिलों में सुधार किया जाए और उनके बिलों को सुधार कम किया जाए। नरसिंहपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शैलेंद्र पारी की रिपोर्ट। कैथरोन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत महदा के लोगों को खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। करीब 5000 की आबादी वाला महदा गांव आज खारा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहा है। PHE विभाग द्वारा लगभग 20 वर्ष पहले गांव से 2 किलोमीटर दूर पर एक बोरवेल किया गया था, जिसके माध्यम से घर घर पानी पहुंचना था, लेकिन यह योजना महज 1-2 साल ही चल पाई, उसके बाद ठप हो गई। आज ग्रामीण लोग मीठा पानी लेने के लिए दूसरे गांव साइकिल से जाते हैं। वहीं ग्रामीण जनों का आरोप है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, जब वह चुनाव जीत जाते हैं तो गांव की सुध नहीं लेते हैं। वहीं पूर्व विधायक OPS भदौरिया ने ग्रामीण लोगों को भी आश्वासन दिया था, लेकिन वह आश्वासन पूरा नहीं कर पाए, इसलिए आश्वासन देकर चले जाते हैं। अब महगांव में उपचुनाव होने, यहाँ की जनता उन जनप्रतिनिधियों को उपचुनाव में जवाब देती है या नहीं। राघवेंद्र सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रोहन भिंड। राजधानी रायपुर में बीती रात सब्जी लगाने के विवाद को लेकर 5 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग की कर दी हत्या। दरअसल राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के RDA कॉलोनी के पास सब्जी ठेला लगाने के मामूली विवाद पर नाबालिग की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई।
पुलिस द्वारा लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 16 वर्षीय संजू गोस्वामी के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक सब्जी का ठेला लगाने को लेकर इनके बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। कल विवाद ज्यादा बढ़ गया और आरोपियों ने नाबालिग की हत्या की। बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद मौके से ही सभी आरोपी फरार हो गए और रायपुर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। काफी जद्दोजहद के बाद शिवराज कैबिनेट का हुआ गठन। प्रदेश में 28 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार शिवराज ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर लिया है। करीब 28 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जहां पर कार्यवाहक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई है। 28 में से करीब 16 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और साथ ही साथ जो 12 विधायक हैं वे सिंधिया खेमे के हैं। गौरतलब है तत्कालीन सरकार को छोड़कर सिंधिया खेमे के 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। देखने वाली बात यह होगी, शिवराज अब मध्य प्रदेश को 33 मंत्रियों के साथ मध्य प्रदेश का एक नया स्वरूप तैयार करेंगे। शिवराज करीब अपने 33 मंत्रियों के साथ में अब प्रदेश के कैबिनेट का किया है विस्तार। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी ने अपना पूरा फोकस अब विधानसभा उपचुनाव पर कर दिया है। बीजेपी के रणनीतिकार ये बात अच्छे से जानते हैं कि सत्ता की फाइनल जंग अभी बाकी है। इसे जीतने के लिए उसे विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को पटकनी देनी होगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से ही बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि सीएम हाउस में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। एक एक पूर्व विधायक से 1-to-1 चर्चा का फोकस उसके क्षेत्र के विकास कार्य रहेंगे। जाहिर है उपचुनाव में बीजेपी विकास के मुद्दे को अपना प्रमुख हथियार बनाने जा रही है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक सुरेश राठेड़ा को शिवराज मंत्रिमंडल में मिली जगह। आज राज्य मंत्री की ली शपथ। पौड़ी के लोगों ने जमकर की आतिशबाजी और बांटी मिठाई। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में आज कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। मध्य प्रदेश के पोहरी विधानसभा के कट्टर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक सुरेश राठेड़ा को शिवराज मंत्रिमंडल में जगह मिली एवं राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। यह सबसे चौंकाने वाला नाम रातों रात सामने आया। पहली बार के विधायक सुरेश राठेड़ा को मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का स्थान मिला। उपचुनाव से पूर्व जिस प्रकार से भाजपा ने पहली गेंद पर चौका मारा है, पर इसके परिणाम आगामी उपचुनाव के बाद ही सामने आएंगे। पूर्व विधायक सुरेश राठेड़ा के राज्य मंत्री बनने के बाद ही पौड़ी के लोगों की विकास को लेकर अपेक्षाएं और अधिक बढ़ गई हैं। वहीं भाजपा के मास्टर स्ट्रोक आगामी उपचुनाव में कितना कारगर साबित होता है, यह आगामी उपचुनाव में देखने के बाद ही पता चलेगा। पौड़ी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चरम पर। शासन के आदेश के उल्लंघन के बावजूद नहीं हो रही है कार्रवाई। दरअसल छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली को लेकर मनमानी का मामला गर्माता जा रहा है। फीस भरने के दबाव से परेशान होकर गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में आक्रोशी पालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। रायपुर के भवन स्कूल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पालकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन लगातार मेल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फीस के लिए दबाव बना रहा है, यहां तक कि अंतिम तिथि भी दे दी गई है। वहीं निर्देशानुसार फीस नहीं भरने पर ऑनलाइन आईडी भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो वहीं शिक्षा अधिकारी गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ा है। कहीं न कहीं ये शिक्षा अधिकारी के स्तर पर स्कूल प्रबंधन की मनमानी जारी है। अब देखना ये होगा कि पालकगण के घेराव के बाद कार्रवाई नहीं होने पर FIR दर्ज कराने जा रहे हैं, तो अब शिक्षा विभाग इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्यराज सिंह। शासन की खनी चौकियां सफेद हाथी साबित हो गई है। इससे कहीं कोई राहत सरकार को राजस्व दोनों नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के खनिज विभाग ने शहर और प्रदेश में जगह जगह खनिज चौकियां खोल रखी, लेकिन ये खनिज चौकियां कोई काम की नहीं, शासन के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। यहाँ बैठे कर्मचारियों के पास भी कोई काम नहीं, क्योंकि गाड़ियां रुकती ही नहीं है खनिज चौकियों में। ना ही इनको राजस्व कुछ लाभ मिलता है, ना ही खनिज चोरों का पता लगता है। और कोई गाड़ियां अगर दिख भी गई तो वो जो खनिज चोर करने वाले लोग हैं वो रुकते नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन चौकियों को बंद करना चाहिए, ताकि इनका काम कार्यालय में काम करे उड़नदस्ता के रूप में काम किया जाना चाहिए, ताकि सरकार का राजस्व बचे और राजस्व की वसूली भी हो। और सर जो बेकार कर्मचारी जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, कम से कम उनका भी उपयोग हो जाए। शासन ने जगह जगह खनिज चौकियां शहर के बाहर खोल कर रखी हैं, लेकिन इसका कोई लाभ शासन को नहीं है। और यही कारण है कि सरकार को उल्टे राजस्व का नुकसान हो रहा है। बिलासपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शैलेंद्र।
जांजगीर चांपा जिले में रेत माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जांजगीर चांपा जिले में चल रहे रेत के अवैध कारोबार में लगाम लगाने प्रशासनिक अमला लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके रेत माफियाओं को प्रशासन का जरा भी डर नहीं है। जिले के नवागढ़ क्षेत्र के मोदा गांव में देर रात भारी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही देर रात जांजगीर एसडीएम मेनका प्रधान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों को देख रेत तस्करी में लगे लोग गाड़ियां लेकर भागने लगे। अधिकारियों द्वारा गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई। इसी बीच एक हाईवा ने एसडीएम की कार को ठोकर मार दी और मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि घटना में किसी अधिकारी को चोट नहीं आई। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई गाड़ियां फरार हो गई, मगर मौके से 9 ट्रैक्टर, 4 हाईवा और एक जेसीबी जब्त की गई है, जिसे खनिज विभाग को सौंप दिया गया है। साथ ही मामले की जानकारी संबंधित थाने को भी। वहीं इस कार्रवाई के बाद जब्त गाड़ियां अधिकारियों ने खनिज विभाग को सौंप दी है और मामले की जानकारी संबंधित थाने को भी दे दी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर। कौहारी ग्राम पंचायत के भंवर गांव में जीआरएस की निजी अराजी में बना 5.5 लाख कीमती सरकारी डक प्वाइंट सुर्खियों में है। सरकारी अराजी का नंबर देकर जीआरएस की निजी अराजी में डक प्वाइंट बनाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। भंवर निवासी अजय शर्मा ने बताया कि कौहारी पंचायत के अंतर्गत भंवर गांव में 5,40,000 की लागत से डक प्वाइंट का निर्माण किया जाना था, जिससे कि वर्षा जल का संचय हो और संग्रहण हो सके और किसानों की फसलों की सिंचाई भी हो सके। लेकिन कौहारी सरपंच कमलेश भाई यादव की मिली भगत से रोजगार सहायक सुरेश यादव द्वारा अपनी खुद की अराजी में सरकारी डक प्वाइंट का निर्माण करा लिया और शासन की मंशा पर पानी फेर दिया गया। डक प्वाइंट का निर्माण लेबर से कराना था, मगर सरपंच और रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा के नियमों को दरकिनार कर जेसीबी मशीन से डक प्वाइंट बनाकर सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया है। चित्रकूट से एक्सप्रेस रिपोर्टर राम नरेश श्रीवास्तव। प्रदेश के मंत्रिमंडल में लंबे अरसे बाद नीमच प्रतिनिधित्व को भी मौका मिला। नीमच के जावत विधायक ओम प्रकाश सकले का कैबिनेट मंत्री बनाए गए। जावत विधायक के मंत्री बनते ही नीमच जिले के कई क्षेत्रों में जमकर जश्न मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के चौराहों पर एकत्रित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई व जमकर आतिशबाजी की। अपने विधायक के मंत्रिमंडल में जाने की खुशी में भाजपा कार्यकर्ता ढोल की थाप पर छिड़कते हुए भी नजर आए। जावत विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नीमच कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नीमच शहर के विजेता के चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की गई। एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास राव शिंदे, नीमच। कार्यसत परियोजना की करोड़ रुपए की नहर की नहीं हो रही सफाई, सालाना होता है लाखों रुपए खर्च। मनार ओमकारेश्वर परियोजना की तृतीय चरण नहर करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई, जिसकी सफाई के लिए लाखों रुपए हर वर्ष किया जाता है खर्च, मगर नहीं हुई नहर की अभी तक सफाई। नहर में 204 फीट तक मिट्टी और गाद जमी हुई है। एनवीडीए के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने से ठेकेदार अपनी मनमानी चला रहा है और नहर की नहीं कर रहा है सफाई, और एक वर्ष में एक बार भी नहीं हुई नहर की सफाई। सफाई के नाम पर आने वाली राशि अपनी जेब भर रहा है, जिससे लगता है अधिकारियों और ठेकेदारों की जमकर साठगांठ होगी। इस ओर उच्च लेवल के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की नहर पर नहीं दिया है ध्यान, यह सारा सिस्टम इसमें मिलीभगत है। देखना होगा कि नहर की सफाई एनवीडीए अधिकारी कब तक करवाते हैं या ऐसे ही नहर गंदगी में रहेगी। मनार से एक्सप्रेस रिपोर्टर अशोक पाटीदार। पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई मूल्य वृद्धि का असर सीधे तौर पर सब्जियों के ऊपर नजर आ रहा है। इन दिनों जबलपुर के सब्जी बाजार में महंगी कीमत पर सब्जी बेची जा रही है। सबसे ज्यादा महंगा टमाटर है। डीजल के दामों में वृद्धि का सीधा असर सब्जी बाजार पर पड़ा है। आमतौर पर जो हरी सब्जियां 10 से 20 रुपए प्रति किलो बिका करती थी, वही सब्जी अब 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रही है, और टमाटर जो पहले 20 से 30 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा था, वो अब 70 से 80 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। व्यापारियों का साफ कहना है कि माल भाड़े में की गई वृद्धि की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी के भोजन में सब्जी का सबसे अहम महत्व है, लेकिन यदि वही महंगी हो जाए तो मुश्किलें पड़ जाती हैं। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। नेशनल हाईवे के रामाकोना के पास गहरा नाला पुल बारिश में बना आवाजाही के लिए मुसीबत। एक और विकास की बात करें तो दुनिया में अब लोग चांद पर घर बसाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नेशनल हाईवे के ग्राम रामाकोना के पास गहरा नाला पर लगभग 4 साल से अधिक समय पूर्व नवनिर्मित पुल
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तब से आज तक इस पुल का काम कछुआ गति शुरू है और जिम्मेदार तकनीकी खामी का रोना रोते नजर आ रहे हैं। वही बारिश से शुरू होती है इस रूट पर आवागमन के लिए लोग एक दूसरे को दूरभाष पर संपर्क करते नजर आते हैं कि कहीं नेशनल हाईवे के घरन वाला पुल पर जाम तो नहीं लगा। इस पुल के बगल में एक रप्पे से आवागमन कराया जा रहा है जहाँ हल्की बारिश होने पर भी पुल पर बाढ़ बन जाती है और घंटों के लिए आवागमन प्रभावित हो जाता है। तकलीफें तब बढ़ जाती है जब कोई पेशेंट इस जाम में फंस जाए क्योंकि अधिकांश पेशेंट इसी रूट से नागपुर परिवहन करते हैं। वही प्रशासन इस जाम लगाने वाले रास्ते के अलावा अल्टरनेट रास्ता ढूंढने में लगा है। देखना है कि अब यह बारिश गहरा नाला पर कौन सा कर डालती है। यह पुल लगभग 4 साल पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। तब से इस पुल का काम कछुआ गति से शुरू है। देखना है कब तक इस पुल का काम हो पाता है। कौशल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। फसल अफरातफरी का मामला आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुहाडांड ग्राम पंचायत में इसकी शिकायत मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है। गरीबों का राशन समय पर उचित मात्रा में गरीबों तक पहुंचे इस मंशा के साथ राज्य सरकार समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते रहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी राशन घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पत्थरगांव के समीप बूढ़ाडांड पंचायत में सरपंच 9 बोरी चावल को हेरा फेरी करने की मंशा से किराना दुकान में खाली कराया था, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से वह कालाबाजारी करने को अंजाम नहीं दे सका। राशन अफरातफरी की शिकायत मिलने के बाद खाद्य निरीक्षक ने इसकी जांच कर रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय को सौंपा है। अब देखना होगा बूढ़ाडांड सरपंच के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो पाता है। पत्थरगांव से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज अंबस्त। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, वही लोगों को जागरूक करने तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कोरबा नगर निगम के द्वारा बिना मास्क के चल रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, इससे बचने तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सावधानी और सतर्कता से इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसे लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सैनिटाइजर और बिना मास्क से कभी भी खतरा बढ़ सकता है, लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। नगर निगम और पुलिस के संयुक्त टीम ऐसे लोगों को जागरूक करने सड़क पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ 100 रुपए का चालानी कार्रवाई करते उन्हें मास्क दे रहे हैं और उन्हें समझाया जा रहा है, लेकिन कुछ निगम कर्मी इस कार्रवाई पर पलीता लगा रहे हैं। बिना मास्क वाले बाइक सवार से पैसा ले रहे हैं और उन्हें रसीद भी नहीं दिया जा रहा है। उन्हें ये कहा गया कि अगर पुलिस के पास जाओगे तो अधिक लगेगा। ऐसे बाइक सवार से पैसा लेते हमने कैमरे में कैद किया। उससे पूछने पर बताया कि 50 रुपए लेकर बिना रसीद दिए छोड़ा गया। वहीं अधिकारी वाहवाही लूट रहे कि लोगों को जागरूक करने हम सफल हैं। इस कार्यवाही के दौरान नगर निगम के कर्मचारी इस योजना पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं जिसका रसीद नहीं दिया जा रहा है। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज यादव। एक्सप्रेस रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।